फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान में आज मैं आपके बालों के लिए आपको बहुत ही मैजिकल हेयर ऑयल की रेमेडी बनाना बता रही हूँ, जिससे कि आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन होगा। और ये मैं यहाँ पर सरसों के तेल से रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जिंक पाया जाता है जो कि बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। यहाँ पर मैंने पतंजलि का सरसों का तेल लिया है, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। साथ में यहाँ पर आप मेथी दाने देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मेथी दाने गंजेपन को दूर करते हैं, ये प्रोटीन औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं जो कि बालों को पोषण देते हैं, जिससे बाल स्वस्थ और मजबूत बनते हैं, डैंड्रफ को भी दूर करते हैं। ये आप कलौंजी सीड्स देख रहे हैं, ये डैंड्रफ को दूर करते हैं और जो हमारे सिल्की स्कैल्प रहती है उसको स्वस्थ बनाते हैं, उसकी जो बीमारियाँ होती हैं एक्जिमा और डैंड्रफ उनको दूर रखते हैं। ये आंवले का जूस है। फ्रेंड्स, मैंने आंवले को ग्रेट करके और उनका जूस निकाला है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जिससे बालों का झड़ना टूटना कम होता है और इससे बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते हैं। 5-6 आंवले लेकर फ्रेंड्स मैंने उनको ग्रेट कर लिया है। ये आप देख रहे हैं आंवले, अभी आंवले भरपूर आ रहे हैं। आंवले हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स, तो ग्रेट करके मैंने इनका जूस निकाल लिया है। और यहाँ पर ये आप सरसों देख रहे हैं फ्रेंड्स, सरसों के दाने, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि बालों को अंदर से मजबूत करते हैं, तो ये आप ज़रूर लीजिए। साथ में यहाँ पर आप आंवले का पाउडर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आंवले का जूस नहीं है तो आप आंवले का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और जब आप धूप में रख के आंवले का तेल तैयार करें उस समय आप ये यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर मैं आंवले का जूस इसमें डाल के तेल में बनाऊँगी, आंवले का पाउडर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर तेल को पका के बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पर कलौंजी सीड्स, मेथी दाने और सरसों को पीस लेती हूँ। ये जो आप चम्मच देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक एक टेबल स्पून मैंने इन चारों को इस चम्मच से लिया है। सरसों, मेथी दाने और कलौंजी सीड्स को मैंने पीस लिया है, मैंने साथ में पीसा है, आप अलग अलग भी पीस सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो हेल्दी हेयर ऑयल है वो हम तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल मैंने इसलिए लिया है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन, फैटी एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। ये तेल डैंड्रफ को रोकता है, गंजेपन को भी दूर करता है। और इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं दूसरे तेलों का भी इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने नारियल का, पतंजलि का तेल लिया है। नारियल तेल प्रोटीन की कमी को दूर करता है और बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। और मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये यहाँ पर मैंने हेयर ऑयल भी अच्छी कंपनी के लिए हैं फ्रेंड्स। साथ में आप ऑलिव ऑयल देख रहे हैं, जिसको कि जैतून का तेल भी बोलते हैं। ये बालों का झड़ना रोकता है, बालों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन करता है, तो ये भी आप ज़रूर ऐड करिए। ये भी मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये तेल नहीं है तो आप सिर्फ सरसों के तेल से भी ये तेल तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पतंजलि का ही माँ भृंगराज हेयर ऑयल देख रहे हैं। इसमें आयरन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी होता है जो कि बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो ये भी यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। ये सब तेल डाल के जो हमारा सरसों का तेल है ये और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, जो कि बालों को बहुत मजबूती देगा। इसके बाद यहाँ पर आप कैस्टर ऑयल देख रहे हैं, जिसको कि अरंडी का तेल भी बोलते हैं। ये बालों का झड़ना रोकता है, डैंड्रफ को हटाता है और बालों की कंडीशनिंग का भी काम करता है, साथ में बालों के लिए रीग्रोथ का भी काम करता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव तेल रहता है फ्रेंड ये, तो ये भी आप ऐड करिए। और जैसा कि मैंने आप बताया आपको, अगर आपके पास ये तेल नहीं है तो आप सिर्फ सरसों के तेल से भी ये तेल तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे तेल मैंने इसमें ऐड कर दिए फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब ये जो आप आंवले का जूस देख रहे हैं ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आंवला थोड़ा नीचे बैठ जाता है तो आप अच्छे से शेक करके फिर इसमें मिलाइए। तो यहाँ पर मैंने आंवले का जूस इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मैं तेल को इसको पका के आपको बनाना बताऊँगी। यहाँ पर मैंने आंवले का पाउडर नहीं लिया है फ्रेंड्स, अगर आप धूप में रख के बनाएं तो फिर आप आंवले के पाउडर का यूज़ करें। अब ये जो तीनों मैंने पीसे थे, सरसों, मेथी दाने और कलौंजी, इसका मिक्सचर भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो सारे हमने फ्रेंड्स इसमें तेल डाल दिए हैं, आंवले का जूस डाल दिया है
और ये मिक्सचर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो हमारा तेल रेडी है, लेकिन वो वाला तेल रेडी है जो कि हमको धूप में रख के पकाना है। अगर आप धूप में रख के बनाना चाहते हैं तो 8 दिन के लिए इस तेल को आप धूप में रख दीजिए, और फिर इसमें आंवले का जूस मत डालिए, आंवले का पाउडर डालिए। लेकिन मैं यहाँ पर गैस के ऊपर इसको पका के आपको बनाना बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा तेल हम तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने बर्तन गैस के ऊपर चढ़ा दिया है फ्रेंड्स। इस मिक्सचर को मैं अच्छे से हिला लेती हूँ, और जो गैस की फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो कर रखी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ये तेल तैयार करें तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, फ्लेम हमको बिल्कुल हाई नहीं करनी है, क्योंकि जो हमने सारे तेल लिए हैं और जो इसमें सामग्री यूज़ करिए उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब हम तेल बना रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का भी हमको ध्यान रखना है, कोई भी न्यूट्रिशन जलना नहीं चाहिए। ये सरसों का तेल फ्रेंड्स बहुत इफ़ेक्टिव है। जब आप मार्केट से कोई तेल लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें मिनरल्स ऑयल रहते हैं, उसकी भी क्वांटिटी उसमें मिनरल्स ऑयल का भी यूज़ किया जाता है 42% के लगभग, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जब हम ये होममेड हेयर ऑयल तैयार करते हैं तो ये हमारे बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो आप मार्केट का तेल ना लाकर घर में ही ये तेल रेडी करें, ये आपके बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके बालों गंजेपन को भी दूर करेगा फ्रेंड्स, आपके बालों की जितनी भी समस्याएं आपके बालों की सभी को ये हल करेगा। लेकिन साथ साथ आप अपने खान पान का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपकी जो बालों की प्रॉब्लम है वो हल होगी। साथ में आप अच्छी नींद लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है हेयर फॉल का। इस तेल को फ्रेंड्स हमको बीच बीच में चलाते रहना है, फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमको इसको। आप चाहें तो नीम का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मीठे नीम का जो पाउडर आता है उसको ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारी स्कैल्प की सारी बीमारियों को दूर करता है। तो इस तेल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, 4-5 मिनट में रेडी हो जाता है। और हमारा ये तेल बिल्कुल रेडी है, फ्लेम मैं बिल्कुल बंद कर देती हूँ गैस की, और इस तेल को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल ठंडा हो चुका है। आप इसको एज इट इज़ भी कांच की बोतल में भर के रख सकते हैं, या फिर आप इसको छान सकते हैं किसी छलनी की हेल्प से, या फिर कॉटन के कपड़े से या मलमल के कपड़े से, जिससे भी आप छानना चाहें छान सकते हैं। आप जब इसको अपने बालों पर लगाएं फ्रेंड्स, तो अच्छे से मसाज करके नाइट में और सुबह किसी भी हर्बल शैम्पू से या माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। और आप इसको हमेशा कांच की बोतल में निकाल के रखें। ये मैंने इसको कांच के बर्तन में छान लिया है। आप चाहें तो इस तेल में अदरक का रस और विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं जब आप मसाज करें सर पे उस समय पर। लेकिन यहाँ पर मैंने जो सामग्री ली है उसमें विटामिन ई है, तो अपने आप में ये तेल काफ़ी मैजिकल है, बहुत इफ़ेक्टिव तेल है ये, तो आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से छानना है हमको फ्रेंड्स। ये तेल मैंने अच्छे से छान लिया है, और ये जो हमारा मिक्सचर बचा है इसको फेंकना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ उसका यूज़। ये देखिए तेल मैंने निकाल लिया, बहुत इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल है आपके बालों के लिए, आपके गंजेपन को दूर करेगा, सभी समस्याओं का हल कर देगा। और ये जो मिक्सचर बचा है इसको आप एज ए स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके फेस पर स्क्रब कर सकते हैं, हाथों पर। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आप लेकर इसको इस तरह से स्क्रब करिए जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, और फिर हटा दीजिए, फेस को वॉश कर लीजिए। या आप उबटन की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के और आप चेहरे पर लगाकर और फेस को आप धो सकते हैं। या फिर अगर आप बालों पे लगाना चाहते हैं तो आप इसमें दही डाल के और मास्क लगा के बालों पे फिर उसको किसी भी माइल्ड शैम्पू या हर्बल शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। और जब भी आप ये तेल रखें फ्रेंड्स, तो इस तरह की कांच की बॉटल का यूज़ करें, प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ ना करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल रेडी है। इसको मैं इस बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, और ये तेल सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के लिए, सभी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो मैं इसको कांच की बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप इसको ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स और लगाइए, आपकी सारी बालों की जो प्रॉब्लम है सभी हल हो जाएगी। साथ में अपने खान पान का ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कांच की बॉटल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। आप भी अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो आप भी इसी प्रोसेस से बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।